ऐतिहासिक दिन जब भारत की मदद से बांग्ला भाषियों के मुक्ति संग्राम का अंत हुआ और दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का आगाज हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश। जब 1947 में विभाजन के दौरान पाकिस्तान का गठन हुआ था तो उसके दो हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो आर्थिक, सामाजिक और बाकी कई मायनों में एक दूसरे से अलग थे। पूर्वी पाकिस्तान बंगाली बहुल क्षेत्र था, लेकिन वहां से किसी को भी सत्ता में उच्च प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। इससे वहां की जनता में काफी रोष था। पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की लहर दौड़ गई, लोग सड़कों पर उतर आए और आंदोलन करने लगे। पाकिस्तान की सत्ता ने पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना को बुला लिया। पूर्वी हिस्से में लोगों ने मुक्ति वाहिनी नाम की सेना बना ली, जिसमें सेना में काम कर रहे लोग और आम नागरिक शामिल थे। सेना के अत्याचारों से परेशान होकर लोगों ने भारत में पलायन करना शुरू कर दिया था। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा था। एक साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ले ली थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। इस युद्ध परिस्थिति में भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ ने अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले लिए और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया कैक्टस लिली अथवा बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। 3 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में इस ऑपरेशन की शुरुआत की। 23 नवंबर 1971 को भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्रों में घुसना शुरू कर दिया था और वो वहां पर बंगाल के राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़ गए थे। अपनी रणनीति के तहत उन्होंने 9 इन्फेंट्री डिविजन के साथ वायुसेना की मदद लेते हुए 3 तरफा हमला करते हुए पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका पर कब्जा किया। इस सैन्य कार्यवाही ने भारत को दुनिया के सैन्य नक्शे पर ला खड़ा किया। भारत की थल सेना और वायुसेना का ये ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण था जिसकी मिसाल पूरी दुनिया को दी गई। मात्र 14 दिन चले इस युद्ध के फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र परिवर्तित हो गया और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस युद्ध में करीब 3,900 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जबकि 9,851 घायल हो गए थे। 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑपरेशन कैक्टस लिली का नाम भारत की सर्वश्रेष्ठ युद्ध रणनीतियों में शामिल हो गया। 16 दिसंबर 1971 का ये खास दिन भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अत्याचार पर विजय का प्रतीक बनी ये जीत भारत के वीर सपूतों की शौर्य गाथा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंग से भर देती है। अपने शौर्य और पराक्रम के लिए भारतीय सैनिकों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ऐसे ही एक पराक्रमी थे महायोद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिले के जरी नामक गांव में हुआ था। वो 20 वर्ष की उम्र में 27 दिसंबर 1962 में
भारतीय सेना का हिस्सा बने थे। जब युद्ध छिड़ा तो उनकी यूनिट की पोस्टिंग त्रिपुरा राज्य से उस समय के पूर्व पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पर थी। 3 दिसंबर 1971 को इनके बटालियन को निर्देश मिला कि पाकिस्तानी पोस्ट गंगा सागर को पाकिस्तानी फौज से मुक्त कराएं। ये पोस्ट अगरतला से 6 किलोमीटर की दूरी पर थी। भारतीय सेना को ढाका तक पहुंचाने के लिए इस पोस्ट पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। 3 दिसंबर 1971 को अल्बर्ट एक्का की यूनिट को गंगा सागर पहुंचते ही भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। अपने प्राण तक को ताक पर रखते हुए अल्बर्ट ने एक सिंह की भांति हमला कर दिया और शत्रुओं के मंसूबों को नाकाम कर दिया। इस दौरान लांस नायक एक्का ने देखा कि एक बंकर से लाइट मशीन गन उनकी फौज को घायल कर रही है। अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने बंकर पर हमला किया, शत्रु के 2 सिपाहियों पर आक्रमण किया और उस बंकर पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इस दौरान उनके पेट में गोली लगी, लेकिन इसके बावजूद वो शत्रुओं को टक्कर देते रहे। अपने रेजिमेंट के उद्देश्य पहला हमेशा पहला को ध्यान में रखते हुए वो अपनी यूनिट का नेतृत्व करते हुए एक बंकर से दूसरे बंकर पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते गए।